हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिज़ाइन कट्टा। हम देख रहे हैं जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल। तो चलिए चलते हैं कटिया में। सबसे पहले हम जाएंगे जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन, क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल नंबर 7 है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे ट्यूटोरियल नंबर। उसके बाद में सबसे पहले हम पैरामीटर सेट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, इसकी पिछली वीडियोस में हमने वॉल्स, सारी वॉल्स देखी, या हॉपर देखा और फ्री फॉर्म सरफेस देखा। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, उसका लिंक है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले रोल्ड वॉल। चलिए चलते हैं रोल्ड वॉल में। पहले रोल्ड वॉल के बारे में हम जान लेते हैं। रोल्ड वॉल मतलब कि हम किसी भी सर्कल को या किसी भी कर्व को जो है उसे वॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिर्फ सर्कल को ही नहीं, तो हम कर्व को भी यहाँ पर शीट मेटल में वॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोई कर्व ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि आर्क, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और ये रहा एंड पॉइंट। मैं बाहर आता हूँ, उसके बाद मैं सिंपली रोल्ड वॉल पर क्लिक करता हूँ। उसने और यहाँ पर वो पूछता है फर्स्ट लिमिट लेंथ। अगर मैं यहाँ पर लेंथ देना चाहता हूँ तो लेंथ दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं उसे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर डायमेंशन लेंथ दे सकता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर प्लेन भी मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई आगे प्लेन है, मैं यहाँ से प्लेन सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास कोई सरफेस है आगे, तो मैं यहाँ से सरफेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास कोई प्लेन या सरफेस नहीं है, इसलिए मैं इसे डायमेंशन पर रखता हूँ और इसको 150 का लेंथ देता हूँ। आगे नीचे है प्रोफाइल, ये जो है ये मेरे को प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होती है। मैंने इसने मेरी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल सिलेक्ट की है। यहाँ पर नीचे मिरर एक्सटेंड, अगर मैं दोनों तरफ से चाहता हूँ प्रोफाइल के प्लेन के, तो मैं यहाँ पर मिरर एक्सटेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पर है मिरर एक्सटेंड, मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। मैं प्लेन चेंज करता हूँ ताकि आपको आगे का समझ में आए। यहाँ पर है सिमेट्रिकल थिकनेस, यानी कि मैंने जो कोई भी प्रोफाइल बनाई है उसके अगर मैं सिमेट्रिकली चाहता हूँ तो मैं सिमेट्रिकली बनाता हूँ। ये देखिए मेरी जो प्रोफाइल है वो सेंटर में आ जाती है और दोनों तरफ से मेरी वॉल जो है जनरेट हो जाती है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। और अगर मैं इसे इनवर्ट मटेरियल साइड करना चाहता हूँ, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि जो कोई भी मेरा कर्व है उसके अंदर में जो है हमारा मटेरियल है, अगर मैं इसे बाहर की तरफ से ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इनवर्ट मटेरियल साइड कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए इन्वर्ट मटेरियल सेट हो चुका है, मैं फिर से इन्वर्ट मटेरियल सेट करता हूँ। ये देखिए इसके बाद में आता है अनफोल्ड रेफरेंस। यहाँ पर मैं स्केच लोकेशन जो है वो मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से तीन पॉइंट है मेरे लिए, मैं तीन पॉइंट उसमें से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि ये स्टार्ट पॉइंट, मैंने जो भी मेरा स्टार्ट पॉइंट था यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा स्टार्ट पॉइंट ए था, ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट मतलब ये मेरा फिक्स रहेगा और बाकी सब फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। जैसे कि मैं प्रीव्यू करके देख सकता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर फोल्ड अनफोल्ड करता हूँ। देखिए ये पॉइंट जो है मेरा फिक्स है और ये पॉइंट, बाकी सब फोल्ड अनफोल्ड हो रहा है। अगर मैं उसे चेंज करता हूँ तो फिर से वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एंड पॉइंट को अगर रखता हूँ तो ये जो है, ये पॉइंट जो है मेरा फिक्स रहेगा और ये फोल्ड अनफोल्ड होगा। मैं इसे ओके करता हूँ और फिर से फोल्ड अनफोल्ड करता हूँ। ये देखिए, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है मिडल, मिडल पॉइंट। ये जो मेरा मिडल पॉइंट है वो इससे फिक्स रहेगा। इसे ओके करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए मिडल पॉइंट जो है मेरा फिक्स है, फिर से इसे अनफोल्ड करता हूँ, फिर से एडिट करता हूँ। इस तरह से अनफोल्ड रेफरेंस भी हमारा हो चुका है। उसके बाद में है सेकंड लिमिट और फर्स्ट लिमिट।
ये सेकंड लिमिट और फर्स्ट लिमिट यानी कि हमारे डायमेंशन में, जैसे कि मैंने ये 150 दिया सेकंड, यहाँ से मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं सेकंड लिमिट बढ़ा सकता हूँ, इसे सिंपली ओके कर दो। इस तरह से जो है हमारा रोल्ड वॉल जो कमांड है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस और यहाँ पर हमारा रोल्ड बेस वॉल जो है ये पूरा का पूरा जो कमांड है वो कंप्लीट हो जाता है। ये दो कमांड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने देखे नहीं तो आप वीडियो के नीचे दिए लिंक में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगली वीडियो आप किस पॉइंट पर चाहते हो वो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।